गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। अब उसी चैप्टर पे जो टॉपिक हमने लास्ट टाइम पढ़े थे उन्हीं के बेस पे ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो बच्चे उस दिन क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे उनके लिए वीडियो है बेसिकली, और जिन्होंने कर ली थी उनके डाउट्स और भी इससे क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर 8 जो है वो हमारा, वो है बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स मीन्स जीव यांत्रिकी और खेल। तो सबसे पहले इस टॉपिक में जो आता है वो क्या था, मीनिंग ऑफ बायो मैकेनिक्स। हम पहले देख रहे थे कि मीनिंग बायो मैकेनिक्स का मेन मीनिंग क्या है। देन बायो मैकेनिक्स इज़ ए सब डिसिप्लिन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये बेसिकली फिजिकल एजुकेशन का एक सब डिसिप्लिन है। द टर्म बायो मैकेनिक्स इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, दैट इज़ बायो एंड मैकेनिक्स। ये बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। हेयर बायो इज़ द ग्रीक वर्ड दैट रेफर्स टू लाइफ और लिविंग थिंग्स। बेसिकली बायो जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिविंग थिंग्स या लाइफ। एंड मैकेनिक्स रेफर्स टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड द फोर्स दैट एक्ट ऑन द बॉडी इन मोशन। और जो मैकेनिक्स है बेसिकली वो क्या है, रेफर्स टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स, अर्थात फिजिक्स की एक फील्ड है, साइंस की फिजिक्स की एक फील्ड है। एंड द फोर्सेज दैट एक्ट ऑन द बॉडी इन मोशन। और इस मैकेनिक्स में क्या स्टडी करते हैं हम, बेसिकली जो बॉडी मोशन में होती है उस पर कैसे फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। देन इट ऑल्सो बी सेड दैट बायो मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम। अर्थात बायो मैकेनिक्स क्या है, बायो मैकेनिक्स बेसिकली स्टडी है किस तरह से फोर्सेज इफेक्ट डालते हैं लिविंग थिंग्स पे, किस तरह से हम कोई काम करते हैं तो किस तरह से मूवमेंट होती है, किस तरह से फोर्स अप्लाई होता है, किस तरह से वर्क करता है, ये सब जो इस सब की जो स्टडी है उनका वो है बायो मैकेनिक्स, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ बायो मैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है बायो मैकेनिक्स की इम्पॉर्टेंस क्या है स्पोर्ट्स में। देन असिस्ट इन इम्प्रूविंग टेक्निक्स, बेसिकली ये क्या करता है, हमारी जितनी भी टेक्निक्स हैं किस टेक्निक को कैसे करना है, कितना अच्छे से की जा सकती है, कितना अच्छे से उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उस टेक्निक को स्पोर्ट्स को सुधारने के लिए बेसिकली इसका बायो मैकेनिक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग इक्विपमेंट्स, बेसिकली कौन सा इक्विपमेंट कैसा बनना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का बनना चाहिए। अगर हम हेलमेट यूज़ कर रहे हैं तो हेलमेट अच्छी क्वालिटी का, और शूज़ यूज़ कर रहे हैं क्रिकेट के तो शूज़ कैसे होने चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स पे वर्क करने चाहिए। जो भी इक्विपमेंट बन रहा है उसकी सारी जो भी इक्विपमेंट बन रहा है उसमें बायो मैकेनिक्स का बहुत ध्यान देते हैं। बायो मैकेनिक्स का ध्यान देंगे तो जो भी इक्विपमेंट बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स बनेंगे। देन नेक्स्ट, फैसिलिटेट परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, बेसिकली अगर हमें अच्छी टेक्निक सीख रहे हैं बायो मैकेनिक्स के थ्रू, तो जब हम अच्छी ट्रेनिंग में जब हम अच्छी टेक्निक सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तो कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है एथलीट की वो भी बढ़ेगी, अच्छी होगी। देन स्पोर्ट इन प्रिवेंटिंग इंजरी, यदि हमें प्रॉपर टेक्निक सीखी है किस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करना है तो हमारे जो इंजरीज़ के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। हमें पता है लॉन्ग जंप के टाइम पे कैसे टेक्निक इस्तेमाल करनी है, कितनी तेज़ दौड़ना है, कितने पेस पे दौड़ना है, कब जंप करना है, कैसे जंप करना है, शॉर्ट पुट में किस तरह से बॉल थ्रो करनी है, किस तरह से दूर फेंकना है, जेविलिन को किस तरह से थ्रो करना है, तो क्या होगा जंप करनी है, बॉल क्रिकेट की बॉल बाउंस करानी है, कैसे करानी है, ये करानी है, किस इस पर फेंकनी है, कैसे फेंकनी है, तो इन सब चीज़ों में क्या होगा बेसिकली अगर हम गलत चीज़ें करेंगे तो क्या होगा, इंजरीज होने के चांसेस। तो बायो मैकेनिक्स हमें इंजरीज से भी प्रिवेंट करता है। देन हेल्प्स इन प्रमोटिंग सेफ्टी, बेसिकली हमारी अगर हमें अच्छी टेक्निक्स पता होंगी, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं इंजरीज के चांसेस कम होंगे, तो हमारी सेफ्टी बढ़ेगी। अच्छे हेलमेट्स यूज़ करेंगे जो बायो मैकेनिक्स के थ्रू बने हुए हैं, शूज़ अच्छे यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल सेफ्टी भी है, हमें सेफ्टी रहेगी, हम चीज़ों को सेफली कर सकेंगे। देन वर्क्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग, जब हम अच्छी टेक्निक सीखेंगे हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं ये हमारी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेगा। देन फैसिलिटेट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, बेसिकली ये ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट, किस तरह से हमारी बोन्स वर्क करती हैं, किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एज ए लीवर हमारी बोन्स वर्क करती हैं, किस तरह से हमारी बोन की पूरी मूवमेंट होती है, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करते समय कितना कौन सा फोर्स कैसे लगना है, कितनी वेलोसिटी से फेंकना है, कितना एक्सेलरेशन से फेंकना है, ठीक है, कितना कौन सा फोर्स उसमें यूज होगा, क्या फोर्स है क्या नहीं, तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो वो बायो मैकेनिक्स में आती हैं। देन असिस्ट इन इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, बेसिकली बायो मैकेनिक्स टीचिंग के प्रोसेस में भी हेल्प करता है और लर्निंग के प्रोसेस में भी हेल्प करता है। टीचिंग के प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है, अगर एक टीचर अच्छा बायो मैकेनिक्स सीखा होगा तो वो अच्छे से आगे सिखा पाएगा, और लर्निंग जब और जो लर्निंग है जो स्टूडेंट सीख रहा है वो क्या करेगा, जब वो टीचर से उस चीज़ को सीखेगा तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को एक्वायर करेगा और वो भी अच्छे से उस चीज़ को परफॉर्म करेगा।
तो इंटरेस्टेड हो जाता है। जब हम टेक्निकली चीज़ें समझाते हैं तो बच्चे को टेक्निकली चीज़ें समझने में मज़ा आता है, तो लर्निंग और टीचिंग दोनों का जो आस्पेक्ट है वो बहुत अच्छा हो जाता है। देन हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी वो की टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में। तो मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमें चार पढ़नी है इस चैप्टर में, टाइप्स ऑफ मूवमेंट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। ये चार मूवमेंट हमें पढ़नी है जिसके बेस पे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन सबसे पहले जो मूवमेंट आ रही है वो फ्लेक्शन आ रही है। इट इज़ ए मूवमेंट इन विच ज्वाइंट ऑन विच द मूवमेंट अकर देयर विल बी डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन द बोन ऑफ दैट ज्वाइंट। बेसिकली फ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी बोन्स के बीच में जब एंगल डिक्रीज होता है वो होता है हमारा फ्लेक्शन मूवमेंट, ठीक है। किसी भी जैसे हम अपना हैंड स्ट्रेट करते हैं, उसके बाद जब हम उसको बेंड करते हैं, जब हम बाइसेप कर्ल कर ले होते हैं, जब हम बाइसेप्स करते हैं या बेंडिंग करते हैं एल्बो की, तो एल्बो के पॉइंट से जब हम हमारी लोअर आर्म और अपर आर्म जब ऊपर की तरफ, जब हम अपनी लोअर आर्म को अपर आर्म की तरफ बढ़ते हैं, तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, फ्लेक्शन का एंगल। देन नेक्स्ट जो मूवमेंट आ रही है इसमें देखो, बेंडिंग ऑफ एल्बो एंड बेंडिंग ऑफ नी, ये सब क्या है हमारे फ्लेक्शन के एग्जाम्पल। देन हमारा दूसरा पोजिशन है एक्सटेंशन, इन विच द एंगल बिटवीन द बोन्स ऑफ दैट जॉइंट ऑन विच मूवमेंट अकर्स विल इंक्रीज। बेसिकली जब हमने हैंड बेंड किया है उसको जब हम वापस पोजिशन में ले जाना चाहेंगे तो क्या होगा, वो ये जो एंगल जो बनाया हुआ है पहले वो क्या होगा, इंक्रीज हुआ था, पहले डिक्रीज हुआ था, अब जब इसको हम वापस हाथ खोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वो होगा एक्सटेंशन। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है स्ट्रेटनिंग ऑफ नी फ्रॉम बेंडिंग पोजिशन। जैसे हमने नी बेंड कर रखी है तो अभी क्या है, एंगल डिक्रीज है, जब हम इसको वापस स्ट्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं एंगल इंक्रीज हो जाए, तो वो होगा एक्सटेंशन। देन नेक्स्ट मूवमेंट आती है एबडक्शन, इट इज़ द मूवमेंट इन विच मूविंग बॉडी पार्ट मूव अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की एक मिड लाइन होती है, जब कोई भी बॉडी पार्ट मिड लाइन से दूर जाता है वो होता है एबडक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखो, लिखा हुआ मूविंग हैंड इन ए साइड वे डायरेक्शन, दैट इज हैंड गोइंग अवे फ्रॉम द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी से हाथ जब दूर जा रहा है तो वो क्या होगा, एबडक्शन। नेक्स्ट मूवमेंट जो हमें इसमें पढ़नी है वो है एडक्शन, इट इज़ दैट मूवमेंट इन विच मूविंग पार्ट कमिंग टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। बेसिकली ये क्या है, अभी जब हमने पहले क्या किया, हम मिड लाइन से हैंड को दूर ले गए तो वो क्या था, एबडक्शन। जब हम उसी पार्ट को वापस मिड लाइन के पास लाएंगे बॉडी की, तो वो होगा एडक्शन। इसका एग्जाम्पल देखिए, टू बैक हिज और हैंड हर हैंड टू अटेंशन पोजिशन फ्रॉम द हैंड्स अपोजिंग ओपनिंग साइड। मीन्स हम अगर एक एग्जाम्पल ले लें कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि हम असेंबली जब हम लेते हैं तो असेंबली में क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज अटेंशन करते हैं। तो स्टैंडर्डाइज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारी जो लेग होती है वो उठ के मिड लाइन से, बॉडी की मिड लाइन से दूर चली जाती है। जब हम अटेंशन करते हैं तो वही लेग हमारी वापस आ जाती है। तो यही एबडक्शन और एडक्शन होता है। बेसिकली ये टॉपिक्स थे, यही वीडियो है इसके लिए। और बाकी जो मूवमेंट्स हैं उनका मैं एक पीडीएफ भेज रहा हूँ जिससे आपको वो मूवमेंट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे जिनमें उनकी फिगर्स बनी हुई हैं। आपको मेन जो मूवमेंट इसमें पढ़नी है इस चैप्टर में वो यही चार मूवमेंट पढ़ने हैं जिसके बेस पे आपको एग्ज़ाम आता है।